अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और ये व्लॉग मेरा तकरीबन एक महीने बाद आया है। कैमरे के अंदर मैंने बड़ी खूबसूरत सी इस पूरे अपार्टमेंट की जो है फुटेज रिकॉर्ड की हुई थी, लेकिन मेरा मेमोरी कार्ड गुम गया है। अरे नो मिलेगा कि नहीं, बरहाल दिस टाइम हैज़ गॉन ओवर। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ये किचन था, इसका बहुत साफ़ सुथरा सा किचन था, हर चीज़ बड़े ऑर्गेनाइज और साफ़ सुथरे तरीके से रखी हुई थी, क्योंकि इन लोगों की अपनी प्रॉपर्टी होती है। आई डोंट नो कि जब ये लोगों को आगे रेंट आउट करते हैं तो ये मॉर्गेजेस वगैरह दे रहे होते हैं कि ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनकी, लेकिन उन्होंने बड़े नीट तरीके से, बड़े वेल मेंटेन तरीके से रखी होती है। ये किचन था और किचन के साथ ही एक यूटिलिटी रूम था, जिसमें उसने वॉशिंग मशीन के साथ साथ टम्बल ड्रायर भी लगाया हुआ था। यहाँ पर उसने कपड़े सुखाने का स्टैंड, कपड़े इस्त्री करने का स्टैंड है, कोने में कपड़े फोल्ड करने का कॉर्नर है, और उसके साथ फ्रिज है। उसने कुछ टॉवल वगैरह भी दिए हुए थे। बहुत खूबसूरत सी नाइस एंड क्लीन स्पेस थी, जहाँ पर हमने 3 वीक्स गुजारे थे बड़े आराम से, कम्फर्टेबल। उसके बाद हम मूव हो गए थे। कितने सारे बॉल्स हैं, कितने हैं देखो। वाओ, पकड़ लो एक, यहाँ से पकड़ लो, मैट के ऊपर से एक पकड़ लो। बारिश हुई है, बारिश से पहले जो ना गोल गोल ओले पड़े हैं। बाबा जुमा पढ़ने गए हुए हैं, बाबा नमाज पढ़ने बाहर है, टन बजे होने बाबा को, इसलिए मेरे में आए नहीं है, काफी लेट हो गया। नहीं सर, बैक यार वो देखो कॉर्नर्स में कितने ज्यादा इकट्ठे हुए हैं। किचन के एरिया से बाहर निकल के ये कुछ बैक गार्डन बना हुआ था, और ये सिटिंग एरिया। बैक गार्डन जो है वो 2-3 प्रॉपर्टीज के दरमियान एक अकेला ही था। आई डोंट नो हाउ इट वर्कड आउट। एक ही बंदे की प्रॉपर्टी होती है कि मुख्तलिफ लोगों की होती है, मुझे पता नहीं है, लेकिन इन प्रॉपर्टीज के अंदर दूसरे लोग भी रह रहे थे, विच वॉज द मेन प्रॉब्लम। मैं बच्चों को यहाँ से बिल्कुल बाहर नहीं निकलने दे रही थी, क्योंकि लोग बच्चों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। देखिए मैं इसके अंदर इकट्ठे करके लाती हूँ, आ जाओ। यहाँ पे जो 3 वीक गुजारे थे उनमें तकरीबन 2 वीक बच्चे स्कूल जाते रहे थे, 1 वीक उनका ऑफ था। इस जगह पर रेंट कितना है, ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है। लोग यही जानना चाहते हैं, यही देखना चाहते हैं जी कि वो ट्रांजिशन टाइम किस किस्म का गुजरा था। कुछ इन्फॉर्मेशन देते हुए मुझे अजीब सा लगता है, आई डोंट वॉन्ट टू बी लाइक कम्प्लीट शो ऑफ, लेकिन ये है कि ये चीज़ें बच्चों लोगों को चाहिए होती हैं, और शो ऑफ वाली इसमें कोई बात नहीं है। बाय द टाइम वी गॉट द की हम लोग बिल्कुल खाली हो गए हुए थे, क्योंकि ये जगह बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, जो किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ नहीं होती। हम लोग 100 pounds पर नाइट पे कर रहे थे यहाँ, और जो नेक्स्ट जगह हम मूव हुए थे वो भी एक्जैक्टली सेम थी। सो बेसिकली आपने जो है ना तकरीबन 3,000 pounds स्पेयर रखना होता है फॉर दैट। चलो जा देख के आओ, हनिया क्या कर रही है। ये टिपिकल ब्रिटेन वेदर, अभी ओले पड़े हैं और अभी इतनी खूबसूरत बात धूप निकली है एकदम से। तुम बाहर ना जाना, इधर आओ अक्सा, वो देखो अनियम क्या कर रही है, उनके पास थे, जल्दी उसके पास जल्दी आ जाओ। बहुत पता है हर गल का। जिस जगह पे हम मूव हुए थे वहाँ पे चूंकि अभी कंस्ट्रक्शन नई खत्म हुई है, कुछ एरियाज में चल भी रही है, तो हलाल मीट की शॉप जो है वो इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है इतनी करीब, लेकिन नज़दीक जो हमें एरिया अवेलेबल था वो ट्रेन पे 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट बेडफोर्ड की तरफ, पीटरबरो की तरफ। हम वहाँ जाके ग्रॉसरी करते थे, वहाँ से हलाल मीट और ग्रॉसरी वगैरह लेके हम लोगों का ऐसा कोई इम्पॉसिबल नहीं था कि कोई चीज़ जो है वो अवेलेबल ही नहीं है। पेरेंट इवनिंग जो मैं बच्चों की अटेंड करने गई थी, उसके बाद 1 वीक की हॉलीडेज हो गई थी। इस दिन मैंने पहले दिन स्कूल देखा था, स्कूल नया बना हुआ है, थोड़े से क्लासरूम खोले हैं, इट वाज ह्यूज दो, बहुत साफ सुथरा है, ऑब्वियसली नई बिल्डिंग है, दिस लुक्स वेरी नाइस। गाइस मुसेस सेम लाइक अ बेबी, हाउ इज आवर लाइफ, आई एम ओल्डर दिस विदाउट स्कूल, मुसेस मेकिंग समथिंग विद द पेपर, अ किड इज सिटिंग ऑन द टेबल डांसिंग, मानी इसने गिर जाना है, एनी मैंने पीछे से इनको बैकयार्ड में निकाला, पर didn't really work out well, क्योंकि लोग वहाँ पे अनाय हो रहे थे as usual। उसको छोड़ दो, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, जी नहीं जा। Apart from her, everybody is just a bit in a sad mood because she has stairs to climb 10 times in the पीछे से हनी अम्म क्या 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 मैं पीछे से चाहिए ये वॉल्यूम लेवल होता है जब बच्चे घर पे होते हैं। हमारे साथ में दीवार जुड़ी थी, एक और अपार्टमेंट के साथ है, वहाँ पे कोई आई डोंट नो कौन रह रहा था, मुझे नहीं पता, लेकिन जब बच्चे इस तरीके से चीखते थे ना तो वो बंदी जोर जोर से दीवार पे जाती थी, एकदम क्वाइट। ये बस आखिरी पेन थी, इसके बाद जो घर मिला था वो फुली डिटैच था, ना कोई इर्द गिर्द
बाजार हो रहा था क्योंकि हमने तो भागना और चीखना भी होता है साथ। उसके बाद इनके पापा की दो तीन छुट्टियां आई हैं तो वो इन लोगों को एरिया दिखाने के लिए इधर ले गए। पहली जगह जहाँ हम रहे थे वो मेन रोड के ऊपर थी, उस दर हर चीज़ सुपरमार्केट वगैरह हर चीज़ क्लोज थी। टाउन सेंटर से भी वो क्लोज था लेकिन उसके आगे जब हम जाते थे थोड़ा सा क्वाइट टाउन का क्वाइट एरिया आया था। ये ओल्ड सेंट न्यूट्स है लेकिन जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है वो जरा नया एरिया। यहाँ पर हम फार्म आए थे जो देखने आए हम जानवर थे लेकिन मुर्गियाँ जो हैं लोगों ने यहाँ पे खरीद के अपने फ्रंट यार्ड में छोड़ी थी। तो मेरे बच्चों का बाबा समेत एक राय बदल गई थी कि हम लोग पेट रखने वाले हैं और पेट में हमने रखनी भी मुर्गियाँ हैं, हमें चिकन रखने हैं। चलो जी, वो पहले बिल्ली था, बिल्ली से टल के चिकन हो गया था। तो इस वक्त आई खुद मेक अप माइंड मैं अपने चिकन संभाल लूँ तो बड़ी बात है। मैंने पेट चिकन क्या रखने पर लिए, फार्म था बड़ा खूबसूरत सा, अंदर तो उसने नहीं आने दिया बिकॉज हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे थे। लेकिन यहाँ पर देसी अंडे जो हैं उसने कुछ इस तरीके से बाहर ही रखे हुए थे पास ही। आप अपने आपकी अपनी ऑनेस्टी पे पैसे डालें और वहाँ से अंडे जो है उठा के लीजिए। कैमरा उसने लगाया था पर ऑब्वियसली अगर कोई अंडे भी उठा के भाग जाता तो आई डोंट नो उसका क्या हिसाब किताब था। बरल यहाँ से बच्चों ने ताज़े अंडे खरीदे हैं जी। यहाँ पे गूस एग्स भी थे और नॉर्मल जो है मुर्गियों के देसी अंडे भी थे जो हम लोगों ने दोनों ट्राई किए थे। बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं इस तरह की चीज़ें। जब जब इनके बाबा की छुट्टी होती थी वो दिखाने के लिए इनको बाहर ले जाते थे तो हम जो है ना घर में शोर मचाने से बच जाते थे। लेकिन जब जब वो उनकी छुट्टी नहीं थी और बच्चे मेरे साथ रहे हैं, बच्चों ने बहुत शोर डाला है। हमने साथ वाली नेबर जो है ना उसको बहुत ही अवसार किया है। लेकिन ये है कि आई बीन थ्रू सो मच व्हेन आई वाज लिविंग इन अ फ्लैट, तो मुझे इन चीज़ों की बड़ी आदत हो गई है, लोगों की नास्टी किस्म की नज़रों की और उनकी नास्टी नासी बातों की। इट डजंट इवन इफेक्ट मी सो मच एनी वेज। दो दिन की मस्ती करने के बाद बाबा जो है वो काम पे वापस चले गए थे। इन बच्चे दोबारा मेरे साथ थे। ये डबल प्रैम हम लोग पीछे रखते थे और इसको यहाँ से मेन एंट्रेंस से निकालना बड़ा मुश्किल होता था। मुझे जो घरों की बड़ी नैरो सी एंट्रेंस होती है ना, बड़ी तंग सी गली और दरवाज़ा, उससे बड़ी घबराहट होती थी क्योंकि मैं पाकिस्तान से आई थी। शुरू शुरू में तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फील होता था लेकिन मेरा जो अपना फ्लैट था वो आपने देखा एंट्रेंस के सामने बहुत ज़्यादा उसकी खुली जगह थी। और जो घर अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने भी मेरी कमज़ोरी को जाना है तो वो भी इसी तरह ही था। वो एंट्रेंस के साथ उसकी बहुत खुली सी जगह थी और प्रैम श्रैम जो है मैंने वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रखी। पहले इनके बाबा ने मुझे फोन करके बताया था कि घर जो है उसके पीछे एक छोटा सा पार्क है। Find the way. Find the way for me. Yeah. Karo zara. Okay. I'm gonna find it. ये गेम है टिक टैक टो। मानी मेरे साथ पेपर पे मिट गया। मानी हमेशा हारता है। I always win. No, that's not true. I'll attack you. Okay, इस तरह रहना ठहर। Why you took the first turn? Because I can. Okay, I done that turn. Okay. No, that isn't fair. There. Well, you want X, then I'll take O. No, I got 1 point because you took the middle. ये इस किस्म के मसाले जो हैं सब लेके बिल्कुल भी नहीं देते हैं जो बच्चे घोल रहे थे। लेकिन इस टाइम पे इतनी छोटी सी जगह पे हमने एक साइड पे ईबे के पार्सल जब पैक कर रहे थे ना तो व्हाट एवर ही गॉट इन हिज हैंड वो इनको ले देते थे कि किसी तरह बस चुप करके बैठ जाते। यहाँ पे बच्चे जो है ना पता नहीं क्या मवाद तैयार कर रहे थे, कोई छोटी छोटी सी चीज़ें जो हैं ये भी जी कि वो एग से निकली हैं वो गून तैयार करके इससे उन्होंने सुखाना है, कुछ अपना जैम तैयार करना है। बहरहाल ये कुछ मेमोरीज थी जो मैंने आपसे शेयर की है। नेक्स्ट व्लॉग में जो है मैं नेक्स्ट एयर बी एंड बी नेक्स्ट वाला
और जिस दिन हमें हाउस की मिली थी, आई विल जस्ट पुट इट टुगेदर क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे रह गए हुए हैं। इंशाल्लाह मैं जल्दी लेके आऊँगी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।